सो हेलो माय लवली फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अगर आपके घर पे भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, टॉप लोड है या फ्रंट लोड, कुछ भी है, तो दोनों में ही जो डिटर्जेंट लिक्विड या डिटर्जेंट पाउडर यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर एक अच्छी बेहतरीन कंपनी का कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, कभी कभी आउट ऑफ बजट हो जाता है। अब मेरे जैसी फैमिली, मेरी घर पर जो है डेली वॉशिंग मशीन लगती है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फैमिली ज्वाइंट है तो डेली ही डिटर्जेंट लिक्विड का यूज़ होता है। और जो अगर मैं बड़े वाला पैक खरीदती हूँ ना, 6 लीटर वाला, तो वो क्या होता है ना कि मुश्किल से 3 महीने ही चलता है, तो मेरे लिए कभी कभी आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो मैं ऐसा कुछ सर्च करती रहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो कम बजट का हो और थोड़ा सा रीजनेबल पड़े, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो कपड़ों की बेहतरीन धुलाई भी दे। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ सर्च, कभी कभी अच्छा निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है, क्योंकि कुछ एक ब्रांड ये जो अभी ट्रस्टफुल है, सभी तो नहीं है। और ऐसे ही मैंने एक ये भी ट्राई किया है, ये है मून एंड माउंट का डिटर्जेंट लिक्विड। यहाँ जब मैंने इसे परचेज किया ना, तो मैंने इसकी जो अमेजोन पे देखा, तो फर्स्ट जो ऊपर डिस्क्रिप्शन होती है ना, वहाँ लिखा था टॉप लोड के लिए भी यूज़ हो सकता है, फ्रंट लोड के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। लेकिन इस बोतल के ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा है ये फ्रंट लोड के लिए यूज होता है, ये टॉप लोड के लिए होता है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कपड़ों की बेहतरीन धुलाई करता है, 8 kg की मशीन है तो 45 ml जाना चाहिए, 6 kg की मशीन है तो 30 ml लिक्विड यूज कर सकते हैं आप। एंड यहाँ इसकी क्वालिटीज लिखी हुई है कि ये बहुत अच्छा है, स्टेन्स को बड़ी जल्दी से खत्म कर देता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। एंड ये 6 लीटर का है, 595 rupees का मुझे मिला है। इसका ओरिजिनल प्राइस है 1999 rupees। नॉर्मली मैं एक अच्छी सी बात बताऊँ आपको, एरियल मैटिक, सर्फ एक्सल, टाइड मैटिक, जो ये टॉप क्लास के डिटर्जेंट लिक्विड है ना, इनका प्राइस भी क्या है, 6 लीटर वाला ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये का आता है। अभी मैंने पीछे वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की होगी, जिनके पास मशीन है ना उनको पता ही होगा। एंड ये वाला जो है ना, इन्होंने प्राइस यहाँ इसके बैक साइड में तो भाई आउट ऑफ बजट ही दे दिया, और इसका ओरिजिनल प्राइस जो मुझे मिला है 595 rupees का। तो आप ये चीज़ डिसाइड करो कि इतना आप हाई टू ये डिस्काउंट करके इतना कम में कैसे दे रहे हैं। फर्स्ट डाउट तो यहीं पे आ जाता है। अब मैंने ये मंगवाया है तो देखो, अब इसको यूज़ भी कर लिया, ओपन भी कर लिया, तो वापस तो ये होगा नहीं। अब मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं आपके साथ इसकी क्वालिटी भी शेयर कर दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ, पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। इसमें 1 लीटर का है और इसमें 5 लीटर आपको लिक्विड मिल जाता है, डिटर्जेंट लिक्विड। ये है रोज फ्रेग्रेंस के साथ, इसमें फ्रेग्रेंस आपको और भी बहुत सारी मिल जाती है, लेवेंडर मिल जाती है, जेंटल वॉश के लिए कुछ अलग अलग फ्रेग्रेंस में आपको मिल जाता है। मैंने तो रोज मंगवाया था, मुझे लगा कि रोज फ्रेग्रेंस आई थिंक सबको अच्छी लगती है, तो मैंने रोज फ्रेग्रेंस मंगवा लिया। तो फ्रेग्रेंस इसमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड ये इतनी ज़्यादा लेदर बना देता है ना, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको डालती हूँ, मेरी जो मशीन है वो 7.5 किलो की है, तो मैं इसके अंदर कुछ 40 ml की नियर अबाउट डाल देती हूँ। जो एक ढक्कन है ना इसका, बड़े वाली कंटेनर को मैंने अभी टच भी नहीं किया, छोटे वाला कंटेनर मैंने हाफ खत्म कर दिया। आपको यहाँ से दूर से दिख रहा होगा कि ये यहाँ तक बचा हुआ है, तो ये वाला मैं 1/4 और 1 इसको मिक्स करके डाल देती हूँ। इसके अंदर जो लिक्विड है ना, वो है पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का। जैसे ही इसको ओपन करते हैं ना, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, जिसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी लाइट वेट है, और हाथ में लेने के बाद भी काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस, लेदर बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। आई थिंक बहुत अच्छा एक वो आता है फ्रेग्रेंस वाइप्स वगैरह। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि क्या ये कपड़ों की बेहतरीन धुलाई करता है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता है। मैंने इसे अकेले डाल के देखा वॉशिंग मशीन में, जैसे कपड़ों के साथ, तो ये बिल्कुल भी बेहतरीन धुलाई नहीं करता है। मुझे जिस क्वालिटी इसकी क्या लगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेन नहीं जाता है, जो कि जाना चाहिए, अगर कपड़ों पे स्टेन है तो स्टेन नहीं जाता है। सेकेंडली कपड़ों का जो ओरिजिनल कलर है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेड हो रहा है इस डिटर्जेंट से। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ बिल्कुल जान लीजिए कि मुझे ये इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं लगा, रिकमेंडेशन नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती सबको बताना। मुझे खुद भी, मैंने इसको ले लिया, मैं वापस नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसको अब क्या यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे शुरू में तो इंडिविजुअली यूज़ किया है, इसको ही डालती थी कपड़ों में, तो 3 से 4 बार मैंने देखा कि तीनों चारों बार कपड़ों की धुलाई भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। एंड सेकेंडली अगर बात की जाए तो कपड़ों का जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा फेड हो रहा था, और मुझे इतना था। लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती थी, लेदर बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन ये चीज़ इनफ नहीं है। अगर हम किस जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो है स्टेन नहीं होना चाहिए, सेकेंडली कपड़ों की धुलाई अच्छी होनी चाहिए, कपड़ों में शाइनिंग आनी चाहिए, जैसा कि हम दूसरे महंगे वाले डिटर्जेंट लिक्विड को यूज़ करते हैं, उसके बाद जो मुझे क्वालिटी मिलती है ना कपड़े धोने के बाद, वैसी क्वालिटी इसमें नहीं मिली। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, मैं नहीं चाहती किसी और के पैसे वेस्ट हो। अगर मैं इसे अब यूज़ करती हूँ ना, मेरे पास जो एरियल मैटिक है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वही परचेज किया था, ये मुझे सस्ता लग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी कर लेते हैं,
क्या ही जा रहा है हम, क्योंकि डेली तो कपड़े धोने ही होते हैं। तो फिर अभी मेरे को ये पता चल गया है कि इसको मैं इंडिविजुअल डालूं तो मेरे कपड़े साफ नहीं होंगे, तो मैं इसको और एरियल मैटिक लिक्विड डिटर्जेंट को पाउडर को मिला देती हूँ, कभी कभी लिक्विड को मिला देती हूँ, दोनों को मिक्स करके ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। यूज़ करने के बाद मेरे कपड़ों की थोड़ी अच्छी धुलाई होती है। अगर मैं इंडिविजुअली इसको डालने लग जाऊँ तो इसके कपड़ों की बिल्कुल भी धुलाई अच्छी नहीं होती, तो मैं इसको आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये था मेरा इसके लिए होनेस्ट रिव्यू। अगर आप इसे परचेज करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा तो महंगे वाला कर लो, क्योंकि इसको मिक्स करके ही यूज करना है। और ये था मेरा होनेस्ट रिव्यू, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।